वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से खेला जाना है। ये इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में आयोजित होना है। इसमें विराट कोहली के पास बतौर कप्तान अपना पहला आईसीसी टूर्नामेंट जीतने का सुनहरा मौका है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उनकी राह में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी का विश्व पात्र खिलाड़ी रोड़ा अटका सकता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो विराट कोहली के साथ टीम इंडिया का टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी चकनाचूर हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि केन विलियमसन की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड की टीम में धोनी की कप्तानी वाली आईपीएल टीम में सुपर किंग का धुरंधर प्लेयर मिचेल सैंटनर मौजूद है। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड की टीम के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज और गेंदबाज मिचेल सैंटनर ने इंडियन प्रीमियर लीग में अपना डेब्यू साल 2019 में किया था। तब उन्हें 6 मैच खेलने का मौका मिला था जिसमें उन्होंने 4 विकेट हासिल किए थे। इकोनॉमी की बात की जाए तो 6.7 की थी। वही जहां तक भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन की बात है तो सैंटनर ने भारतीय टीम के खिलाफ जो 3 टेस्ट मैच खेले हैं उनमें उन्होंने 159 रन बनाने के अलावा 10 विकेट भी हासिल किए हैं। सैंटनर ने ये रन 26.50 की औसत से बनाए हैं जबकि इन तीनों मैचों में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 60 रन देकर 3 विकेट झटकारा है। और अगर टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में सैंटनर अपने रंग में रहे तो टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिचेल सैंटनर ने न्यूजीलैंड के लिए 23 मैच खेलकर 41 विकेट झटकाए हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 53 रन देकर 3 विकेट का रहा है। वही 75 वनडे में उनके पास 75 ही विकेट है। इस रूप में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के तौर पर 50 रन देकर 5 विकेट चटकाया है। वहीं सैंटनर ने न्यूजीलैंड के लिए 52 T20 मैच में 60 विकेट भी हासिल किए हैं। जहां तक प्रथम श्रेणी की बात की जाए उन्होंने 53 फर्स्ट क्लास मैच में 84 विकेट लिए हैं। वहीं 99 लिस्ट ए मैचों में उनके खाते में 105 शिकार दर्ज है। सैंटनर ने 106 T20 मैच खेलकर 105 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई है। वहीं बल्ले से भी उनका योगदान अहम रहा है। यही वजह है कि मिचेल सैंटनर ने 23 टेस्ट मैच में 25.5 की औसत 1 शतक व 2 अर्धशतक की बदौलत 766 रन भी बनाए हैं। वहीं 75 वनडे में उनका औसत 27.26 का है। इस प्ररूप में उन्होंने 2 अर्धशतकों के जरिए 927 रन भी बनाए हैं। वहीं 52 T20 मुकाबले सेंटर के बल्ले से 15.22 की औसत और 126.89 के स्ट्राइक रेट से 335 रन निकले हैं। वहीं टेस्ट में उनका सर्वोच्च स्कोर 126 रन रहा है तो वनडे में उन्होंने 67 रन बनाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। वहीं T20 प्ररूप में सेंटर का उच्चतम स्कोर 37 रन रहा है।